अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमारे साथ है शाकिर भाई, हैं टूरिस्ट गाइड हैं, और हम इस वक्त मौजूद हैं मसरूर रॉक पे, ठीक है, और ये हमें नीचे से गाइड करके लाए हैं। ठीक है, आप बताएं कि ये जगह नीचे से आने में कितना टाइम लगता है? लोकली हम लोकल को ना 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके साथ आए थे इसलिए 3.5 घंटे में पहुंचे। और ये रास्ता बिल्कुल चढ़ाई है ना, इसलिए थोड़ा मसला होता है आप लोगों के लिए। हम लोकल तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अपने साथ क्या क्या लेकर आना चाहिए जी? सबसे पहले तो पानी होना चाहिए आपके साथ, और एक स्टिक हाथ में रखना चाहिए, और खाने पीने के लिए चॉकलेट्स और बबल्स तो लाजमी रखने चाहिए। ठीक है, और इस रॉक पे हर किसी को आकर फोटो बनाना चाहिए या कोई लोग? आप क्या कहते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक है, आप देख सकते हैं ये रॉक, और नीचे खाई देखें। ठीक है जी, हर कोई नहीं चढ़ना चाहे, जो मतलब समझता हो मैं खुद चढ़ सकता हूँ इस पे, वो चढ़ना चाहिए। जिसको चक्कर आता हो ना, वो नहीं चढ़ना चाहिए, बा जो दिल का वो हो ना, ठीक है, पेशेंट ना हो, ठीक है, हाइट फोबिया ना हो जिसको। जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। ये मसरूर रॉक से वापसी पे स्टे का एरिया है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अभी हम वापसी पे जा रहे हैं। शाकिर भाई ने अपने शूज़ दे दिए हैं इसको, और आप जब भी आएँ हॉस्पिटैलिटी, हम शाकिर भाई का नंबर शेयर कर लेंगे, आपने बहुत सपोर्टिंग है शाकिर भाई के साथ, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं यहाँ के, और शाकिर भाई ने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। अगर हम अकेले आते तो यकीनन हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते थे, हम पहुँच भी नहीं सकते थे। वापसी में हम यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। ये सराज खान हमसे आगे आगे जा रही है, इनकी लगता है कि डिस्क ब्रेक है। और ये अलीशान साहब जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे हाइकिंग का, और हम पैदल आए हैं, झूठ नहीं बोलते, 3.5 घंटे लगे, और अभी उतराई जो 1 घंटे का जो रास्ता हमने मारा था, तो वो हमने तकरीबन 10 मिनट में मार लिया, तो मतलब उतराई का कोई मसला नहीं है ज़्यादा। उम्मीद है कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में इंशाल्लाह वापस पहुंच जाएंगे। ऑस्कर।